इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी इज. ठीक है, इनर्शिया क्या है, क्या प्रॉपर्टी है, तो पढ़ लेते हैं सारे ऑप्शंस. पहला है अनेबल टू चेंज बाई इट्स सेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट. ये भी ठीक है, अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो इनर्शिया ही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने आप से रेस्ट की जो स्टेट है वो चेंज नहीं करेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. तो ये भी ठीक है. ठीक, अनेबल टू चेंज बाई इट्स सेल्फ द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ये भी सही है कि अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, कोई एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो अपने आप से वो स्टेट जो है वो चेंज नहीं कर सकती जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ. ये भी सही है. ठीक है, अनेबल टू चेंज बाई इटसेल्फ द डायरेक्शन ऑफ मोशन. इसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं. पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो इनर्शिया ऑफ मोशन है, तीसरा वाला जो है वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है. जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ. ठीक, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है. चौथा पढ़ते हैं, अनेबल टू चेंज बाई इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. तो जो चौथा स्टेटमेंट है उसमें सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड हैं, तो आंसर आपका क्या बनेगा, डी पार्ट. और यूनिफॉर्म मोशन जब आप कहते हो तो उसमें मैग्नीट्यूड भी है और उसमें डायरेक्शन भी है. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी है और उसमें डायरेक्शन भी है. तो सबसे बेहतर जो आंसर है वो क्या है, इसमें डी पार्ट. ए बॉल इज ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म स्टेशनरी ए बॉल इज ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है, ट्रांसलेट मोशन हो रहा है, रोटेट नहीं कर रही है, बॉल जो है वो सीधे ट्रांसलेट कर रही है. ठीक, इस तरह से एक बॉल है और ये ट्रांसलेट कर रही है, किसी वेलोसिटी वी से आगे बढ़ रही है. तो यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन में बॉल के सभी पार्टिकल्स के पास एक कांस्टेंट और सेम वेलोसिटी होगी. दिस मीन्स दैट इट इज़ एट रेस्ट. गलत, वो रेस्ट में नहीं होगी, वो मूव कर रही होगी, यूनिफॉर्म मोशन है. द पाथ कैन बी ए स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर एंड द बॉल ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म स्पीड. पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, सर्कुलर नहीं होगा. ठीक, ऑल पार्ट्स ऑफ द वॉल हैव द सेम वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट. तो आंसर इसका क्या बनेगा, सी पार्ट. सभी पार्ट्स के पास, चाहे वो सेंटर हो या कोई सर्कमफ्रेंस का कोई पॉइंट हो या कहीं भी कोई पॉइंट हो, इन सभी के पास जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सेम, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. तो उसमें जो सबसे बेहतर आंसर है वो क्या है, आपका सी पार्ट. इसमें क्या कह रहे हैं, डी पार्ट में, द सेंटर ऑफ द बॉल्स मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड द बॉल स्पिन अबाउट इट्स सेंटर यूनिफॉर्मली. स्पिनिंग हो ही नहीं रही है, ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेशन तो है ही नहीं उसमें, प्योर ट्रांसलेशन है. तो आंसर, बेहतर आंसर क्या है, सबसे बढ़िया आंसर क्या है इसमें, सी पार्ट. व्हेन ए बॉडी इज स्टेशनरी, अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है तो उसका क्या मतलब हुआ, कि उस पर कोई फोर्स एक्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्या हो रहा होगा. ठीक, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं हो सकता उस पर फोर्सेज लग रहे हों, बट वो आपस में नेट फोर्स उनका क्या हो जाएगा, जीरो. तो देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट तो गलत होगा. द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विद इट. द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर नॉट इन कॉन्टेक्ट, ऐसा भी हो सकता है, फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी होते हैं जो कॉन्टैक्ट से लगते हैं, और कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो डिस्टेंस से लगते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो फोर्स एक्ट करते हैं काफ़ी डिस्टेंस से. ठीक है, तो नॉट इन कॉन्टैक्ट इसका कोई मतलब नहीं है. ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट बैलेंस ईच अदर. ठीक है, ये सही है, अगर उन सारे फोर्सेज को आप कंबाइन करोगे तो वो नेट में नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो इसका आंसर, सबसे बेहतर आंसर क्या है, सी पार्ट. डी में कह रहे हैं द बॉडी इज इन वैक्यूम, इसका कोई लेना देना नहीं है. ठीक, बॉडी अगर स्टेशनरी है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होने के लिए कुछ फोर्सेस लग सकते हैं बट उनका रिजल्टेंट टोटल क्या हो जाएगा, जीरो. तो सबसे बढ़िया आंसर इसमें क्या है, सी पार्ट. द रिलेशन एफ इज इक्वल टू एम ए कैन नॉट बी डिड्यूस फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ. इफ एफ इज इक्वल टू एम ए सेकेंड लॉ से नहीं मिलेगा, कब, जब मास टाइम पे डिपेंड करेगा. ढंग से समझो, न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो फोर्स इज इक्वल टू है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और मोमेंटम को आप लिखोगे मास इनटू वेलोसिटी. अब एफ इज इक्वल टू एम ए कब बनता है, कि अगर सिस्टम का मास कांस्टेंट है, मास वेरिएबल नहीं है, मास टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अगर मास कांस्टेंट है तो मास डी अपॉन डी टी से बाहर आ जाएगा, तो फोर्स जो आएगा आपका वो आपका आ जाएगा एम टाइम्स डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी क्या होता है, एसलेशन. तो एफ इज इक्वल टू एम ए तब बनता है न्यूटन सेकेंड लॉ से जब मास क्या होता है, कॉन्स्टेंट.
तो ये कह रहे हैं कि एफ इजिक्वल टू एम ए तब नहीं बनेगा, कब नहीं बनेगा, कैन नॉट बी रिड्यूस, कब नहीं बनेगा, जब मास कांस्टेंट नहीं होगा, जब मास टाइम पे डिपेंड करेगा, सो द आंसर विल बी डी पार्ट। एन एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली गेट सेपरेटेड आउट ऑफ इट स्मॉल स्पेसशिप एसलेटिंग इन इंटरस्टेलर स्पेस एट ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वट इज द एसलेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट द इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउटसाइड द शिप। जैसे वो शिप के बाहर होगा तो अब शिप से तो कोई कनेक्शन रहा नहीं उसका, तो उसका एसलेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स, जब तक फोर्स लगेगा तब तक एसलेशन होगा। जैसे वो शिप से अलग हो गया, आप उस पर कोई फोर्स नहीं होगा, तो उसका एसलेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। सो द आंसर विल बी ए पार्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो। ठीक है, नेट फोर्स जीरो जीरो किस केस में नहीं होगा, किस केस में, जिस जिस केस में उसका एक्सलरेशन होगा उस केस में नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। ठीक, तो जरा पढ़ते एक करके। फर्स्ट वाले में कह रहे हैं ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड, नीचे गिर रही है, डायरेक्शन फिक्स है और स्पीड भी फिक्स है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एसलेशन जीरो, एसलेशन जीरो तो नेट फोर्स जीरो होगा। और ड्रॉप पे नेट फोर्स कैसे जीरो होता है, नीचे जो वेट लग रहा होता है एम जी, वो ऊपर लगने वाले विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर बी, स्टॉक्स लॉ, विस्कस फोर्स, उससे बैलेंस हो जाता है, थोड़ा बहुत फोर्स बायंसी फोर्स से बैलेंस हो जाता है, तो नेट फोर्स जीरो हो जाता है। तो जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिर रही होती हैं, तो इस केस में तो नेट फोर्स जीरो होगा, यहाँ इस केस में तो नेट फोर्स जीरो आपका होगा। दूसरा केस देखते हैं, द कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन द वाटर सर्फेस, फ्लोट कर रही है तो उस पर भी नेट फोर्स जीरो होगा, जो एम जी होगा वो बायंसी फोर्स से बैलेंस हो जा रहा होगा, तो इस सेकेंड केस में भी नेट फोर्स जीरो होगा। थर्ड केस, ए कार मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर ऑन ए रफ रोड। ठीक है, ऑन ए रफ रोड, अब रफ रोड है और फिर भी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, लेकिन जब कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो, तो इसका मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो होगा ही होगा। द पेबल ऑफ मास 0.05 kg थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक पेबल है उसको आपने ऊपर फेंका, इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा क्योंकि उसका एसलेशन जी डाउनवर्ड होगा और उस पर वेट एम जी लग रहा होगा, एक आपने ऊपर फेंक दिया है तो इस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा एम जी डाउनवर्ड, और अगर एयर का फ्रिक्शन भी होगा तो वो भी कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड, तो नेट फोर्स इस केस में जीरो नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या बनेगा, डी पार्ट, यही पूछ रहे हैं किस केस में नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये सेकेंड लॉ दिया है और इसमें पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू नहीं है। ठीक, तो एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट, सेकेंड लॉ इज कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नेट फोर्स जीरो है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में बना रहेगा, ये आपका फर्स्ट लॉ है। और सेकेंड लॉ जो है वो मेन लॉ है, उसी से आप फर्स्ट लॉ भी निकाल सकते हो, उसी से आप थर्ड लॉ भी निकाल सकते हो। जो मेन लॉ है वो कौन सा लॉ है आपका, सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ से कंसिस्टेंट है, बिल्कुल कंसिस्टेंट है, इसमें कोई गलत नहीं है, ये ट्रू हुआ, आपसे तो फॉल्स पूछ रहे हैं। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ए वैक्टर लॉ, बिल्कुल वैक्टर लॉ है, फोर्स भी वैक्टर है, एसलेशन भी वैक्टर है, ये भी ट्रू हुआ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू ए सिंगल पॉइंट पार्टिकल, बिल्कुल लग सकता है, सिंगल पॉइंट पार्टिकल पे भी लग सकता है, सिस्टम पे भी लग सकता है, अगर कोई सिंगल पॉइंट पार्टिकल है तो इस पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू उस पार्टिकल का नेट एसलेशन, तो सिंगल पार्टिकल पे भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये भी ट्रू है। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट ए लोकल लॉ, पहले लोकल लॉ समझ लेना है, लोकल लॉ क्या चीज़ होती है। ठीक, जैसे कोई सिस्टम है और उस पर कुछ फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से उस सिस्टम के पास कुछ एक्सलरेशन होगा। ठीक, तो जिस मोमेंट पे, ढंग से समझना है, जिस टाइम पे, जिस मोमेंट पे जो फोर्स होगा उसी मोमेंट पे, उसी टाइम पे, उसी के हिसाब से एक्सलरेशन होगा। अगर फोर्स चेंज करेगा तो एक्सलरेशन तुरंत चेंज कर जाएगा। मान लिया वो पार्टिकल किसी पर्टिकुलर पोजिशन पे था, किसी पर्टिकुलर टाइम पे था, उस पर एक पर्टिकुलर फोर्स लग रहा था, तो उसी फोर्स के हिसाब से उसी पार्टिकल का उसी इंस्टेंट पे, उसी पोजीशन पे एक एक्सेलरेशन होगा।
ठीक है, फोर्स चेंज होगा, एसलेशन चेंज हो जाएगा। फोर्स और एसलेशन का जो रिलेशन है, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती है। मतलब जो अभी का करंट एसलेशन है, वो इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा कि पहले कितना फोर्स लग रहा था। वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा कि अभी कितना फोर्स है, इस मोमेंट पे कितना फोर्स है, उसके हिसाब से इस मोमेंट का एसलेशन होगा। बट वेलोसिटी के साथ ऐसा नहीं होता है। जो वेलोसिटी होगी इस मोमेंट की, वो इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि पहले कितना एसलेशन है, पहले कितनी वेलोसिटीज हैं, कब कब कितना कितना फोर्स लगा है, किस किस डायरेक्शन में लगा है, उन सब का जो एक्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, वो होती है इस मोमेंट की वेलोसिटी। बट इस मोमेंट का जो एसलरेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ इस मोमेंट पे लगने वाले फोर्स पे डिपेंड करेगा, न कि उस फोर्स की हिस्ट्री पे। इसलिए इस तरह का जो लॉ होता है, उसको हम कहते हैं लोकल लॉ। और जो सेकेंड लॉ है, वो आपका लोकल लॉ है, ठीक है। और इसमें कह रहे हैं इट इज़ नॉट ए लोकल लॉ, तो ये गलत हो गया, तो ये बनेगा फॉल्स। और फॉल्स ही पूछ रहे हैं, तो आंसर क्या बनेगा आपका, डी पार्ट। ए बॉय सिटिंग ऑन अ टॉप मोस्ट बर्थ ऑफ ए कंपार्टमेंट ऑफ ए ट्रेन विच इज जस्ट गोइंग टू स्टॉप ऑन ए रेलवे स्टेशन। मतलब एक ट्रेन है, वो चल रही है और रुकने वाली है, इसका मतलब उसने ब्रेक लगाए होंगे। ड्रॉप्स एन एप्पल एमिंग एन ओपन एंड ऑफ हिज ब्रदर सिटिंग वर्टिकली बिलो हिज हैंड एट ए डिस्टेंस अबाउट 2 मीटर। ठीक है, वो एक एप्पल ड्रॉप कर रहा है, 2 मीटर नीचे उसका भाई बैठा हुआ है उसके हाथ में, और जो ट्रेन है वो ब्रेक लगाने वाली है। द एप्पल विल फॉल, कहाँ गिरेगा वो, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसको ढंग से समझना। जैसे मान लिया ट्रेन का कंपार्टमेंट है, और ट्रेन मान लिया इधर मूव कर रही है बट रुकने वाली है, इसका मतलब ब्रेक लगाए होंगे, तो एसलरेशन कहाँ होगा, पीछे की तरफ। एसलेशन अगर पीछे की तरफ होगा, तो हर ऑब्जेक्ट पे जो सूडो फोर्स लगेगा, वो कहाँ लगेगा, आगे की तरफ। जो सूडो फोर्स लगेगा, वो कहाँ लगेगा, आगे की तरफ। अब अगर यहाँ से एक एप्पल गिराया है और यहाँ हैंड है, तो सूडो फोर्स आगे लगने की वजह से जो एप्पल है, वो हाथ में नहीं गिरेगा, वो हाथ से कहाँ गिर जाएगा, थोड़ा सा आगे गिर जाएगा। इस तरह की सिचुएशन होगी। तो कहाँ गिरेगा, जरा चेक करते हैं। स्लाइटली अवे फ्रॉम द हैंड ऑफ हिज ब्रदर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन। बिल्कुल सही है, जिस दर ट्रेन मूव कर रही है, उसी डायरेक्शन में वो गिरेगा, थोड़ा सा आगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी पार्ट। ए पर्सन सिटिंग एन ओपन कार मूविंग एट ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी थ्रोज इज बॉल वर्टिकली अप इन द एयर। ठीक, द बॉल कहाँ गिरेगी, सीधे एग्जैक्टली उसके हाथ में आएगी। अगर एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से कार मूव कर रही है, और कोई चीज़ अगर हम ऊपर फेंक देंगे, तो वो सीधे कहाँ आएगी, उसके हाथ में आएगी, क्योंकि उस बॉल के पास हॉरिजेंटल में वही वेलोसिटी होगी जो कि कार के पास है, और हॉरिजेंटल वेलोसिटी चेंज होती नहीं है। ठीक है, ना कार की चेंज हो रही है, ना बॉल की चेंज हो रही है। तो जितना कार आगे बढ़ जाएगी, उतना ही बॉल आगे बढ़ जाएगी, और बॉल वापस हाथ में आ जाएगी। ठीक है, पर्सन के लिए जो मोशन होगा, वो इस तरह से दिखेगा। पर्सन के हिसाब से दिखेंगे, तो मोशन कैसा दिखेगा, मोशन ऐसा दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू कार, ऐसे बॉल यहाँ से फेंकी और यहाँ हाथ में आ गई। लेकिन अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे होगे, तो मोशन कुछ इस तरह से देखेगा। ठीक, जब पर्सन ने बॉल फेंकी होगी, तो कार और बॉल यहाँ पे होंगे, फिर कार आगे बढ़ती चली जाएगी, बॉल इस तरह से आगे बढ़ेगी। ठीक है, कार ऐसे आगे बढ़ेगी, बॉल इस तरह से आगे बढ़ेगी। ठीक है, कार इधर आगे बढ़ेगी, बॉल इधर से ऐसे आएगी वापस, और वापस से बॉल, कार जब यहाँ पहुँचेगी, तो बॉल वापस से उसके हाथ में आ जाएगी। तो ये जो मोशन आपको दिखेगा, ये दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। और ऐसा जा सीधे ऊपर जाना, सीधे ऊपर नीचे आ जाना, ऐसा जो दिखेगा, वो कहाँ दिखेगा, विद रिस्पेक्ट टू कार। तो एग्जैक्टली इन द हैंड विच थ्रू इट अप, डी पार्ट। ऑन ए स्टेशनरी सेल बोट एयर इज ब्लोन एट द सेल्स फ्रॉम द फैन अटैच टू द बोट। ठीक, इस तरह की सिचुएशन है। एक बोट है, स्टेशनरी है, और ये मान लिया सेल लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने एक फैन लगाया हुआ है। ये पंखा चल रहा है, ठीक, और ये बोट जो है वो स्टेशनरी है, वो रेस्ट में है, पहले से वो रेस्ट में है। इस तरह की सिचुएशन है। ठीक,
अब क्या कह रहे हैं कि जब एयर फ्लो कराएंगे हम, फैन जो है बोट में अटैच है, तो बोट चलेगी नहीं चलेगी क्या होगा, ठीक है? तो ढंग से समझना है, जब ये हवा सामने वाले सेल्स पे जाके टकराएगी तो सेल्स पे फोर्स आगे लगेगा, तो ऐसा लग रहा है कि चलनी चाहिए, बट ढंग से समझना है, जब ये फैन जो है हवा आगे फेंकेगा तो फैन पे भी फोर्स कहाँ लग रहा होगा, पीछे, और ये फोर्स जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह काम करेंगे कि फैन ने सेल पे फोर्स आगे लगाया है तो जो एयर आगे जाके सेल पे फोर्स लगा रही है उस एयर ने फैन पे फोर्स कहाँ लगाया है, पीछे। तो ये सिस्टम के इंटरनल फोर्सेज हैं और इंटरनल फोर्स सिस्टम की स्टेट को चेंज नहीं करते हैं। अगर सिस्टम पहले से रेस्ट में है तो बाद में भी कहाँ रहेगा, रेस्ट में ही। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मान लिया बस नहीं चल रही है और आप बस के अंदर खड़े होके और बस में आगे वाली सीट को धक्का देना शुरू कर दो, उससे बस नहीं चलेगी, क्योंकि वो जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, इंटरनल फोर्स। बस को अगर चलाना है तो बस से उतरना पड़ेगा, बस के बाहर जाना पड़ेगा और सड़क पर खड़े होके बस को पीछे से पुश करना पड़ेगा, तब बस चल सकती है, अगर आपने फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो। तो ये जो पंखे ने सेल पे फोर्स लगाया है ये सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स सिस्टम को मूवमेंट नहीं देगा, तो बोट विल रिमेन स्टेशनरी, ए पार्ट। ए मास ऑफ 1 kg सस्पेंडेड बाई ए स्ट्रिंग ए, एक स्ट्रिंग है सी, मास 1 kg है, फिर एक स्ट्रिंग ये भी है सी। अब हमने सडन जर्क दिया सी को, एकदम सडन झटका दिया सी को, तो कौन सी रस्सी टूटेगी, बी सी वाली टूटेगी कि ए बी वाली टूटेगी? तो ढंग से समझना है, जो इनर्शिया है 1 kg का, ये जर्क उतनी तेजी से ए बी वाली रस्सी को ट्रांसफर नहीं होने देगा। जो आपने जर्क दिया है सी पे, वो जर्क का काफी हिस्सा ये 1 kg का मास एब्जॉर्ब कर जाएगा, तो वो जर्क ए बी तक नहीं पहुंचेगा। तो इसका मतलब कौन सी रस्सी टूटेगी, जो बी सी वाला हिस्सा है वो टूट जाएगा। बी पार्ट। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में होता है कि सी एंड पे हमने फोर्स लगाया है, उसको हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, जर्क नहीं दिया, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो कौन सी रस्सी टूटेगी? तो रस्सी टूटेगी आपकी ए बी वाली। क्यों? क्योंकि अगर आपने सी पे फोर्स लगाया मान लिया 10 न्यूटन, तो जो ए बी वाली रस्सी पे फोर्स होगा वो 20 न्यूटन होगा, क्योंकि 1 kg का वेट भी लग रहा होगा। तो अगर हम उसको आराम से खींचेंगे तो कौन सी रस्सी टूटेगी? ए बी वाली, क्योंकि वहां पर टेंशन ज्यादा होगा। ठीक, इफ द अगले पार्ट में यही पूछ रहे हैं, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, इफ द स्ट्रिंग सी इज स्ट्रेच स्लोली, आराम से खींचा उसको, तो कौन सा रस्सा टूटेगा? देन द पोर्शन ए बी विल ब्रेक, ए पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज करेक्ट रिगार्डिंग ए स्टेशनरी बॉडी, कोई स्टेशनरी बॉडी है तो उस पर क्या चीज कह सकते हो आप? तो उससे हम ये कह सकते हैं कि उस पर नेट फोर्स, फोर्सेज लग सकते हैं, बट उनका नेट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, सिंपल। तो पहले पार्ट में कह रहे हैं नो फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, गलत है, फोर्स बिल्कुल लग सकता है, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, ये एकदम सही है। द बॉडी इज वैक्यूम, मतलब ही नहीं है इसका कुछ, कि वैक्यूम में है या नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं है। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए कपल, कपल कॉन्स्टिट्यूट करे जरूरी नहीं है, कपल होता है दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्टिंग एट ए डिस्टेंस। हो सकता है तीन फोर्स एक्ट कर रहे हो जिसमें से किन्हीं दो का सम, किन्हीं दो का रिजल्टेंट तीसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो जाए, तो जरूरी नहीं है कपल क्रिएट हो, बट ये है कि सभी फोर्सेज का जो रिजल्टेंट होगा वो नेट में क्या हो जाएगा, जीरो। तो आंसर विल बी बी पार्ट। ए लोकोमोटिव इंजन पुल्स ए सीरीज ऑफ वैगन्स, ठीक है, एक इंजन है वो कई सारे डब्बों को खींच रहा है, विच ऑफ द करेक्ट एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। द ट्रेन मूव्स फॉरवर्ड बिकॉज द लोकोमोटिव पुल्स फॉरवर्ड स्लाइटली हार्डन ऑन द वैगन्स, देन द वैगन्स पुल बैकवर्ड ऑन द लोकोमोटिव, ऐसा नहीं है, इसको डायग्राम बना के समझते हैं। जिसे मान लिया ये सिचुएशन है, ये मान लिया इंजन है, ये इंजन है और इसके पीछे एक लोकोमोटिव, ये लोकोमोटिव है और इसके पीछे एक वैगन है, ठीक, एक डब्बा लगा हुआ है, ढंग से समझना है आपको, कब मूव करेगा कब मूव नहीं करेगा सारी बातें समझेंगे हम।
अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इसके पहियों पे इस ये ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग पार्ट ये है और ये पैसे पार्ट है, ये आगे खींच रहा है, ये तो बस इसके साथ खींचता हुआ चला आ रहा है, ठीक है। तो जो इंजन है वो पहियों को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा होगा, तो पहिए पहिए ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे होंगे पीछे की तरफ, तो ग्राउंड ने पहियों पे फोर्स लगाया होगा आगे की तरफ। इसको नाम दे रहा हूं मैं फ्रिक्शन वन, ठीक। पहियों ने ग्राउंड पे फोर्स कहाँ लगाया होगा, पीछे की तरफ। ये ड्राइविंग व्हील्स हैं, ड्राइविंग व्हील्स ग्राउंड पे पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, और ग्राउंड ने उन पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगाया होगा वो कहाँ लगाया होगा, आगे की तरफ। ये ड्राइविंग व्हील्स हैं। ये जो व्हील्स हैं ये पैसिव व्हील्स हैं, ये ड्राइविंग व्हील्स नहीं है। तो इन पे जो फ्रिक्शन लगता है, इन पे जो फ्रिक्शन लगता है वो पीछे की तरफ ही लगता है, तो उसका नाम रख रहे हैं हम FR2। और लोकोमोटिव ने वैगन पे जो फोर्स लगाया और वैगन ने लोकोमोटिव पे जो फोर्स लगाया हुआ है, वो इस कनेक्शन में लगने वाला टेंशन होगा और वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। वो एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, वो आपके कम या ज़्यादा नहीं हो सकते। जितना फोर्स इंजन ने वैगन पे लगाया उतना ही फोर्स वैगन ने इंजन पे लगाया होगा, उसका टेंशन का नाम हम टेंशन टी कह देते हैं इसको। इक्वल एंड अपोजिट होंगे, उसमें कम ज़्यादा ही कोई बात नहीं, ठीक है। अब लोकोमोटिव कब चलेगा, तो वो ये नहीं है कि ये वाला टेंशन ये वाला टी इस टी से ज़्यादा होगा, वो तो बराबर ही होंगे। लोकोमोटिव तब चलेगा जब लोकोमोटिव के पहियों पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स वैगन के पहियों पे लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा। FR1 अगर FR2 से ज़्यादा होगा तो लोकोमोटिव मूव करना शुरू कर देगा। क्लियर। एक ही करके ऑप्शन पढ़ते हैं। पहले वाले में कह रहे हैं कि द ट्रेन मूव्स फॉरवर्ड बिकॉज द लोकोमोटिव पुल्स फॉरवर्ड स्लाइटली हार्डन ऑन द वैगन्स, देन द वैगन्स पुल बैकवर्ड ऑन द लोकोमोटिव। गलत है ये। ये दोनों फोर्सेज जो हैं, ये वाले दोनों फोर्सेज ये क्या होंगे, ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ठीक। बी पार्ट। बिकॉज एक्शन ऑलवेज इक्वल्स रिएक्शन, द लोकोमोटिव कैन नॉट पुल्स द वैगन, द वैगन्स पुल बैकवर्ड जस्ट एज हार्ड एज द लोकोमोटिव पुल्स फॉरवर्ड, सो देयर इज नो मोशन। ये कह रहे हैं एक्शन रिएक्शन इक्वल होते हैं, तो जितनी ताकत से लोकोमोटिव ने वैगन पे लगाई होगी उतनी वैगन ने लोकोमोटिव पे लगाई होगी, तो ये सिस्टम मूव नहीं करेगा। तो ये गलत हो गया। पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो सही है कि द वैगन्स पुल्स बैकवर्ड जस्ट हार्ड एज द लोकोमोटिव पुल्स फॉरवर्ड, ये बिल्कुल सही है। बट मूवमेंट उस फोर्सेस से डिटरमाइन हो ही नहीं रहा, मूवमेंट डिटरमाइन हो रहा है ये ग्राउंड से लगने वाले फोर्सेस से, क्योंकि मूवमेंट जो डिटरमाइन हो रहा है वो ग्राउंड से लगने वाले फोर्सेस से डिटरमाइन हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि कोई मोशन नहीं होगा, वो गलत हो गया, ठीक। सी पार्ट में कह रहे हैं द लोकोमोटिव फोर्स ऑन द वैगन इज एज स्ट्रॉन्ग एज द फोर्स ऑन द वैगन ऑन द लोकोमोटिव, सही है। फोर्स ऑफ द वैगन ऑन द लोको, जितना लोकोमोटिव ने वैगन पे लगाया उतना ही वैगन ने लोकोमोटिव पे लगाया, बिल्कुल सही है। बट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द लोकोमोटिव इन फॉरवर्ड इज फॉरवर्ड एंड लार्ज, वाइल द बैकवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द वैगन इज स्मॉल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो फ्रिक्शनल फोर्स लोकोमोटिव इंजन पे लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो ज़्यादा है, जो किससे, जो कि फ्रिक्शन फोर्स वैगन पे लग रहा है, डब्बों पे लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, उससे तभी लोकोमोटिव मूव करा। तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी पार्ट। बाकी इसका डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। डी पार्ट में कह रहे हैं द लोकोमोटिव कैन पुश द वैगन फॉरवर्ड ओनली इफ द वे इफ इफ इट वेट्स मोर देन द वैगन, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है। ये डिपेंड फ्रिक्शन कॉफिशियंट्स पे भी डिपेंड करेगा कि पहियों के बीच में फ्रिक्शन कॉफिशियंट कैसा है कैसा नहीं है, ठीक। इसमें सबसे बेहतर आंसर क्या था, सी पार्ट। व्हेन ए स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली द पैसेंजर्स थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट्स बिकॉज बिकॉज द बैक सीट सडनली पुशेज द पैसेंजर फॉरवर्ड, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे ही बस ब्रेक लगाती है हम लोग आगे झुक जाते हैं, तो सीट्स बैक सीट से तो हमारा कनेक्शन छूट ही गया, ठीक है। तो वो तो कोई फोर्स लगाएगी नहीं, पहला सही नहीं है। दूसरा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट स्टॉप्स द बस एंड टेक्स द बॉडी फॉरवर्ड, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है वो, इनर्शिया जो है वो किसी को रोकता या चलाता नहीं है, वो अगर पहले से रुकी हुई है तब इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात होगी, पहले से चल रही है तो इनर्शिया ऑफ मोशन की बात होगी, तो ये भी ठीक नहीं है। अपर पार्ट ऑफ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन, वेयर एज लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इन कॉन्टेक्ट विद सीट रिमेन्स एट रेस्ट, ये सही है एकदम। जैसे ही बस रुकती है तो बस क्यों रुकी, क्योंकि ग्राउंड से फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा। तो हम जब सीट पे बैठे हैं तो हमारे लोअर पार्ट में फ्रिक्शन फोर्स आपको मिलता है सीट से, तो सीट के फ्रिक्शन फोर्स की वजह से लोअर पार्ट तो रुक जाता है, बट अपर पार्ट को कहीं से कोई फ्रिक्शन
वगैरह कहीं से कोई फोर्स नहीं मिल पाता जिससे हम रोक पाए। हाँ, अगर हमने आगे वाली सीट को पकड़ के रखा हुआ है तो हाथ से वो फोर्स आपको मिल सकता है जिससे आपकी बॉडी स्ट्रेट रहे, लेकिन आपने नहीं पकड़ के रखा हुआ है तो ऊपर बॉडी वाली बॉडी को रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है, तो वो दैट पार्ट द अपर पार्ट इज कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन, जिसकी वजह से वो आगे झुक जाती है। तो इसका सबसे बेहतर आंसर क्या है, सी पार्ट, द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन वेयर एज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द सीट विद द सीट रिमेन्स एट रेस्ट, वो रेस्ट में आ जाता है जबकि अपर पार्ट मूव करता रहता है तो आगे झुक जाते हैं। तो आंसर क्या बनेगा इसका, सी पार्ट। डी पार्ट में तो उल्टा ही लिखा है, अपर पार्ट जो है वो रेस्ट में गलती लिखा है, लोअर पार्ट जो है वो मूव कर रहा है गलती लिखा है वो, ठीक है। तो इसका बेहतर आंसर क्या है, सी पार्ट। 16th, वी कैन ड्राइव न्यूटन्स, सबसे बेसिक जो लॉ है वो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ से आप फर्स्ट लॉ भी बना सकते हो, सेकंड लॉ से थर्ड लॉ भी बना सकते हो, तो बनाए इसका आंसर बनेगा थर्ड एंड फर्स्ट लॉ फ्रॉम द सेकंड लॉ। सबसे जो फंडामेंटल लॉ है वो कौन सा लॉ है आपका, सेकंड लॉ, सी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ में कौन सा ट्रू नहीं है पढ़ लेते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक ही है। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी, गलत है। एक बॉडी पर अगर एक्शन है तो दूसरी बॉडी पर क्या लगता है, रिएक्शन, और एक ही बॉडी पर एक्शन और रिएक्शन नहीं लगते हैं, ठीक है। देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन, बिल्कुल है। देयर इज नो, सॉरी, देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, हाँ मतलब कॉज इफेक्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि एक्शन कॉज है तो रिएक्शन उसका इफेक्ट है, मतलब पहले एक्शन आएगा फिर रिएक्शन आएगा, एक्शन की वजह से रिएक्शन आया ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई भी एक फोर्स एक्शन हो सकता है और कोई भी दूसरा फोर्स रिएक्शन बन सकता है, और ये साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं, इसलिए इसमें कॉज इफेक्ट की रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगी। तो सही कह रहे हैं कि देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन, तो ये भी सही कह रहे हैं। कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है तो वो हम कह नहीं सकते, ठीक। एक्शन एंड रिएक्शन आर साइमल्टेनियस फोर्सेज, ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन क्या है, साइमल्टेनियस फोर्सेज हैं, और पहला वाला भी सही है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो भी सही है, ठीक है। तो ए सही है, सी सही है, डी सही है। इसमें पूछा विच इज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सो द आंसर विल बी बी पार्ट, ये आंसर बनेगा आपका। 15 ए कॉन्स्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग इनिशियली विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 50 न्यूटन का फोर्स है 10 kg पे लग रहा है, तो रिटार्डेशन हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो कितनी देर में रुक जाएगा, तो ऑब्वियसली 2 सेकेंड में रुक जाएगा। जो रिटार्डेशन है वो आपका आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है 10 मीटर पर सेकेंड की, कितनी देर में रुक जाएगा, स्टॉपिंग टाइम यू अपॉन ए, तो ये 2 सेकेंड में रुक जाएगा, सो द आंसर विल बी ए पार्ट। ए बॉडी ए ऑफ मास एम वन एग्जर्ट्स ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी ऑफ मास एम टू, द एसलेशन ऑफ बी बी ए टू, एम टू वाले का एसलेशन जो है वो ए टू है, ठीक है। देन द एसलेशन, ए का एसलेशन पूछ रहे हैं, तो ये इंटरनल फोर्स हुआ, म्यूचुअल फोर्स हुआ, एक बॉडी एम वन है एक बॉडी एम टू है, और एम वन ने एम टू पे फोर्स लगाया, एम टू ने एम वन पे फोर्स लगाया, वो इक्वल अपोजिट, अगर इस पर एफ लग रहा है तो इस पर भी क्या लग रहा होगा, एफ, और इस एफ की वजह से इसका एसलेशन ए टू हो गया इस तरफ, तो इसका एसलेशन कितना होगा वो हमें फाइंड करना है, तो उसका नाम हम रख लेते हैं ए वन। तो इसकी इक्वेशन एफ इज इक्वल टू क्या बनेगी, बनेगी एम टू ए टू, तो इधर से एफ इज इक्वल टू क्या बनेगी, एम वन ए वन, तो यहां से जो ए वन आएगा वो आपका आ जाएगा एम टू ए टू अपॉन एम वन, ए पार्ट। व्हेन फोर्सेस एफ वन एफ टू एंड एफ थ्री आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम सच दैट एफ टू एंड एफ थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन द पार्टिकल रिमेन्स स्टेशनरी, ठीक है। आराम समझना, कुछ इस तरह की सिचुएशन है, एक एफ टू और एफ थ्री है, ये तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो एफ वन कहीं यहाँ लग रहा होगा, ठीक है, और ये मान लिया है आपका एफ टू, ये मान लिया है एफ थ्री, ये परपेंडिकुलर हैं और ये है एफ वन, ये तीन फोर्सेज हैं और बॉडी रेस्ट में, रेस्ट में होने का मतलब ये है कि इन तीनों का नेट रिजल्टेंट जीरो होगा, ठीक है। एफ टू और एफ थ्री का जो रिजल्टेंट आएगा वो एफ वन के इक्वल एंड अपोजिट आएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, पार्टिकल आपका कहाँ बना रहेगा, स्टेशनरी, ठीक।
अब कह रहे हैं अगर हमने F1 रिमूव कर दिया तो एसलेशन कितना होगा, तो जैसे आप F1 रिमूव करोगे तो नेट फोर्स आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर, ये नेट फोर्स बन गया, और नेट फोर्स अपॉन मास ये बनेगा आपका एसलेशन। अब बात यह है कि ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें, तो हमें पहले सोचना पड़ेगा कि स्टेप पीछे जाके कि F2 और F3 का जो रिजल्टेंट था अंडर रूट ऑफ F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर वो बेसिकली F1 के बराबर था, F1 हमने रिमूव कर दिया बट वो मैग्नीट्यूड में किसके बराबर था, F1 के बराबर। तो इसी इक्वेशन को आप ले सकते हो F1 अपॉन एम, सो द आंसर विल बी ए पार्ट। बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स 6i कैप प्लस 8j कैप एक्वायर्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 m/s² द मास पूछ रहे हैं मास कितना होगा, तो बहुत ही सिंपल है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा आपका 10 N, मास आपसे पूछ रहे हैं और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आपको दिया है 5, तो मास जो आ गया आपका वो आ गया आपका 2 kg, 2 kg उस बॉडी का मास होगा ए पार्ट। 22, ए कॉन्स्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg चेंजेज इट्स स्पीड 5 m/s टू 10 m/s इन 10 सेकेंड विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं बदली है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा 10 - 5/10 चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन आपका हो गया 0.5 m/s² और मास कितना था 5 kg, तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स जो आएगा वो आ जाएगा आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 5 kg एक्सेलरेशन है हाफ, तो ये आपका आ गया 2.5 न्यूटन, सो द आंसर विल बी सी पार्ट।